प्यारे बच्चों, पहला अध्याय हमारा शुरू हो चुका था। इसमें सूरदास जी के चार पद थे, दो पद हम भाग एक में पढ़ चुके हैं। ये पद भ्रमर गीत प्रसंग से हैं। भ्रमर यहाँ पर उद्धव जी को कहा गया है, जो योग संदेश देने के लिए गोपियों के पास आए हैं, लेकिन गोपियाँ उद्धव जी के या भगवान कृष्ण के द्वारा उस भिजवाए गए योग संदेश को अस्वीकार कर देती हैं। इससे पता चलता है कि सगुण भक्ति श्रेष्ठ है निर्गुण भक्ति की अपेक्षा। पहले वाचन कर लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहन कहन जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सूतो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। लास्ट पद है, हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुर करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जे होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाही सताए। ब्रज भाषा में ये पद लिखे गए हैं, भाषा ब्रज है, भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित है। और ये भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर से लिया गया है। सूरदास जी की सबसे प्रमुख कृति है, महान कृति है सूर सागर, उसी के भ्रमर गीत प्रसंग से ये पद लिए गए हैं। भावार्थ करते हैं। पहले पद में गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते हुए कह रही है कि जैसे एक हारिल पक्षी होता है और वह अपने पंजों से जिस लकड़ी को पकड़ लेता है वह जल्दी उसे छोड़ता नहीं है, ठीक उसी प्रकार भी हमने दृढ़ विश्वास के साथ अपने हृदय में कृष्ण को बसा रखा है, अपना रखा है, पकड़ रखा है, अब हम भी कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं है। ये योग संदेश हमारे पास तुम्हारा नहीं चल सकता है, ये तो जिनके मन अस्थिर है ऐसे लोगों को जाकर सुनाओ, ये कहना चाह रही है। देखिए, हमारे हरि, यहाँ हरि का अर्थ कृष्ण है, हारिल एक पक्षी का नाम है, हारिल पक्षी, और लकड़ी यानी लकड़ी, गोपियां उद्धव जी से कह रही है कि हे उद्धव जी, हमारे कृष्ण तो हारिल पक्षी के द्वारा पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। हमारे कृष्ण हारिल पक्षी के द्वारा पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी किसी लकड़ी को पकड़ लेता है और उसे जल्दी से छोड़ता नहीं है, भगवान कृष्ण तो उस लकड़ी के समान है। यहाँ हारिल पक्षी खुद गोपियाँ अपने लिए कह रही है, और जो लकड़ी है वो कृष्ण को कहा जा रहा है कि हारिल पक्षी जैसे लकड़ी को पकड़ने पर छोड़ता नहीं है, ऐसे हम गोपियाँ भगवान कृष्ण को पकड़ रखा है, भगवान कृष्ण को बसा रखा है, इसलिए हम उनको छोड़ने वाली नहीं है। तो यहाँ हारिल पक्षी की तुलना की गई है गोपियों से,
गोपियाँ कह रही कि हम उस हरिल पक्षी के समान हैं और कृष्ण को उस लकड़ी के समान बताया है जो हरिल पक्षी द्वारा पकड़ी हुई है। तो हमारे कृष्ण हरिल पक्षी के द्वारा पकड़ी हुई लकड़ी के समान है, जैसे हरिल पक्षी लकड़ी को पकड़ने पर उसे आसानी से छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बसा चुकी है, अब उन्हें त्यागने वाली नहीं है। मन यहाँ क्रम को कर्म कर लेंगे, वचन यानी वचन, नंद नंदन, नंद का नंदन, नंद का पुत्र अर्थात कृष्ण, नंद नंदन यहाँ कृष्ण को कहा गया है, और उर यानी हृदय। हमने अपने मन कर्म और वचन से भगवान कृष्ण को हृदय में बसा रखा है, हमने अपने मन कर्म और वचन से कृष्ण को हृदय में बसा रखा है, यह दृढ़ करी पकड़ी और दृढ़ विश्वास के साथ हृदय में पकड़ रखा है अर्थात स्वीकार कर रखा है, दृढ़ विश्वास के साथ अपने हृदय में उन्हें हमने पकड़ रखा है, बसा रखा है। अपने मन कर्म वचन से कृष्ण को हृदय में बसा रखा है और दृढ़ विश्वास के साथ उन्हें हृदय में ही पकड़ रखा है, बसा रखा है, अपना रखा है। जागत सुवत, जागते हुए और सोते हुए, स्वप्न में दिवस यानी दिन में और निशि यानी रात में, कान कान जकरी पुकारती रहती है, जकरी यानी पुकारना, हम जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में और रात में काना काना ही पुकारती रहती है। सुनत जोग, जोग यानी योग, जो योग संदेश उद्धव जी लेके आए हैं उसकी बात है, हे उद्धव जी तुम्हारा यह योग संदेश सुनने पर हमें ऐसा लग रहा है, सुनत यानी सुनने पर ऐसो लागत है, ऐसा लग रहा है, हे उद्धव जी ये तुम्हारा योग संदेश हमें सुनने पर ऐसा लग रहा है जो यानी जैसे करुई यानी कड़वी और ककड़ी यानी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी हो, हे उद्धव ये तुम्हारा योग संदेश सुनने पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हो। यहाँ पर योग संदेश की तुलना कर रहे हैं एक कड़वी ककड़ी से, योग संदेश ऐसा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी होती है। तो यहाँ पहले एक बात कही गई है कि हमें योग संदेश बहुत अच्छा नहीं लग रहा, पसंद नहीं है, और फिर बताया एक उदाहरण से, कड़वी ककड़ी का उदाहरण लेकर समझाया है, और यहाँ जो वाचक शब्द का भी प्रयोग है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ उदाहरण अलंकार है, जहाँ कोई बात कही जाए और उदाहरण से उस बात को स्पष्ट किया जाए, साथ में किसी वाचक शब्द का प्रयोग हो, अगर ये तीनों ही बातें नजर आती है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। तो यहाँ उदाहरण अलंकार है। सूतो व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है बीमारी,
शारीरिक बीमारी, आधी और व्याधि दोनों ही बीमारियाँ है। आधी होती है मानसिक बीमारी और व्याधि होती है शारीरिक बीमारी। तो व्याधि यानी बीमारी हमको यानी हमारे लिए ले आए हो। गोपिया कह रही है कि हे उद्धव जी, हमारे लिए तो ये योग संदेश रूपी बीमारी तुम लेकर आ गए हो। योग संदेश रूपी ये व्याधि, ये बीमारी हमारे लिए आप लेके आ गए हो। कभी हमने इसे देखा नहीं है, कभी इसके बारे में सुना भी नहीं है, और कभी हमने इस योग साधना को स्वीकार भी नहीं किया है, अपनाया भी नहीं है। कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, और स्वीकार भी नहीं किया है। ऐसी बीमारी से हम कभी ग्रसित ही नहीं हुई है। यह तो सूर तिनही ले सोपो, यहाँ सूरदास ही तो हमारे कवि हैं। गोपिया कह रही है उद्धव जी, यह तो तिनही यानी उन्हें ले यानी ले जाकर सौंपो, सौंप दो। ये जो योग संदेश रूपी बीमारी बता रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, यह योग संदेश तो आप उन्हें ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री के समान हो, अर्थात अस्थिर हो। जिनके मन चक्री के समान हो अर्थात अस्थिर हो, ऐसे लोगों को तुम ये योग का संदेश लेकर सौंपो। ऐसा संदेश उन्हें ले जाकर सुनाओ, वो शायद तुम्हारे इस योग संदेश को स्वीकार करें। लेकिन हम तुम्हारे योग संदेश को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मन बिल्कुल स्थिर है और हमने अपने मन कर्म और वचन से भगवान कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ विश्वास के साथ अब स्वीकार कर रखा है। हम उन्हें त्यागने वाली नहीं है। ये योग संदेश हमारे पास अब नहीं चल सकता है। ये तो जिनका मन अस्थिर है उनको ले जाकर सुनाओ। हरि है राजनीति पड़ी आए। अगला पद है हमारा, गोपियां उद्धव जी को कह रही है कि हरि का मतलब वही कृष्ण, राजनीति पड़ी आए हैं, राजनीति पढ़कर आए हैं या राजनीति सीख गए हैं। पढ़ी आने का मतलब सीखना भी हो सकता है। भगवान कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं अर्थात राजनीति सीख गए हैं। गोपिया उद्धव जी को कह रही है कि हमारे जो कृष्ण हैं, प्रभु कृष्ण हैं, अब वे राजनीति सीख गए हैं, राजनीति पढ़ आए हैं। समझी बात कहत मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, लेकिन यहाँ मधुकर कहा गया है उद्धव जी को। गोपियाँ कह रही है कि उद्धव जी के द्वारा कही हुई बातें, बात कहत मधुकर के, जो उद्धव जी ने बातें कही है उन बातों से सब समाचार पाए, और उनसे जो हमने समाचार प्राप्त किए हैं उनसे हम समझ गई है। उद्धव जी की कही हुई बातों से और उनके द्वारा प्राप्त समाचारों से हम गोपियां समझ गई है। क्या समझ गई है? कि भगवान कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं, राजनीति वे सीख गए हैं। गोपियों को कैसे पता चला है? तो वे बता रही है कि उद्धव के द्वारा कही हुई बातों से और उनके द्वारा प्राप्त सभी समाचारों से हम समझी यानी समझ गई है कि भगवान कृष्ण राजनीति सीख गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक यानी एक
अति यानी बहुत, हुते यानी थे, हुते थे, पहले ही पहले से ही। भगवान कृष्ण के लिए कहा जा रहा है कि एक तो पहले से ही भगवान कृष्ण बहुत चतुर थे, भगवान कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, एक तो भगवान कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, सीख लिया है। यहाँ ग्रंथ उसी राजनीति की बात आ रही है, यहाँ ग्रंथ वही राजनीति वाला है और अब गुरु से उन्होंने राजनीति ग्रंथ भी या राजनीति भी पढ़ ली है। एक तो भगवान कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु से राजनीति भी उन्होंने पढ़ाए यानी पढ़ ली है, सीख ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, अब हम जानी यानी जान गई है। गोपिया कह रही है अब हम जान गई है कि उनकी भगवान कृष्ण की बुद्धि बहुत बढ़ गई है। योग संदेश पठाए, पठाए यानी भेजा, जो उन्होंने योग यानी योग, हे उद्धव जी जो योग संदेश उन्होंने भेजा है, आपको योग का संदेश देने के लिए भेजा है, तो भगवान कृष्ण ने जो योग संदेश भेजा है आपको कहकर के हम उससे जान गई है कि भगवान कृष्ण की बुद्धि बहुत बढ़ गई है। उधो हे उद्धव जी, भले लोग आगे के यानी पहले के, पहले के लोग प्राचीन काल के लोग बहुत भले थे, परहित, परहित यानी परोपकार, परहित परोपकार, परोपकार के लिए डोलत धाए, घूमते फिरते थे, पहले के लोग प्राचीन काल में लोग हमने देखा है बहुत भले थे। हे उद्धव जी पहले के लोग तो बहुत भले थे, पर हित के लिए परोपकार के लिए ही वो घूमते फिरते थे, घूमते फिरते थे कि कहीं भी हमें परोपकार का अवसर मिल जाए तो हम परोपकार करें, तो परोपकार के लिए घूमते फिरते थे पहले के लोग तो ऐसे थे। अब अपने मन फेर पाइए, फिर यानी फिर से, फिर से पाइए यानी प्राप्त करना। गोपिया कह रही है कि अब हम अपने मन को फिर से पाना चाहती है, अपने मन को फिर से पाना चाहती है, यानी इनका मन कौन ले गए, भगवान कृष्ण। चलत जाते समय जो यानी भगवान कृष्ण, हुते यानी थे, चुराए यानी चुराकर, यहां से जाते समय कृष्ण जिसे चुराकर ले गए थे। गोपिया कह रही है हे उद्धव हमारे मन को जाते समय कृष्ण चुरा कर ले गए थे, अब हम अपने उस मन को फिर से पाना चाहती है। हमारा मन भगवान कृष्ण ले गए हैं, अब हम उस मन को फिर से
प्राप्त करना चाहती है, पाना चाहती है। ते क्यों अनीति करे आपुन, आपुन यानी स्वयं। अनीति यानी अन्याय, भगवान कृष्ण स्वयं ही अन्याय कर रहे हैं। भगवान कृष्ण स्वयं ही अन्याय क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए, अनीति यानी अन्याय, छुड़ाने यानी छुड़ाते हैं। जो स्वयं दूसरों को अन्याय से मुक्त कराते हैं, भगवान कृष्ण जो दूसरों को अवर यानी दूसरों को, जो दूसरों को अन्याय से मुक्त कराते हैं, जो दूसरों के अन्याय को छुड़ा देते हैं, जो अन्याय से मुक्ति दिला देते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण हैं। लेकिन वे स्वयं ही अन्याय क्यों कर रहे हैं? राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाय सताए। सूर तो हमारे कवि हैं। राजधर्म, गोपियां राजधर्म बता रही है कि राजधर्म क्या होता है, कि एक राजधर्म तो वह होता है जो प्रजा ने जाय सताए, जो प्रजा को सताए यानी सताया, न जाय नहीं जाए। प्रजा को सताया नहीं जाए, यही राजधर्म होता है। प्रजा को सताया नहीं जाए, यही राजधर्म होता है। भगवान कृष्ण स्वयं हमारे राजा हैं, हमारे ईश्वर हैं, फिर भी उनका जो दायित्व बनता है कि प्रजा को कोई भी नहीं सताए, स्वयं ही वे हमें सता रहे हैं, ये अन्याय वो स्वयं क्यों कर रहे हैं? ये अन्याय है, वे हमें क्यों सता रहे हैं? जबकि उनका राजधर्म तो ये है कि प्रजा को सताया नहीं जाए। थैंक यू।